वेलकम बैक माई YouTube चैनल दोस्तों। देखिए आप लोग कभी इनकाउंटर गैंगस्टर और बाहुबली के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन ऐसा क्या था अतीक अहमद के केस में कि पार्लियामेंट में भी नेता और पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात करते थे। ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी अतीक अहमद जिसके ऊपर क्रूड बम फेंकने के आरोप थे, उसने हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में जाके वोटिंग कैसे कर दी, एक आदमी जिनके ऊपर कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, उस समय ऐसा क्या हुआ होगा जिसको माननीय MP बना के उसको पार्लियामेंट में शपथ दिलाई गई। ये शपथ दिलाई गई कि वो अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखे कि कोई कानून ना तोड़े। ऐसा क्या रीजन था कि एक टांगा चलाने वाले लड़के की बेटे ने 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली, और फिर इन सब चीजों के बाद भी आम जनता बार बार उनको वोट दे करके 5 बार MLA और 1 बार MP क्यों बना रही थी। ये सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमें पीछे जाना होगा तभी जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसको समझने में आसानी होगी। अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अभी देशों से भी समर्थन मिलने लगा। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। देखिए प्रयागराज जिसको उस टाइम पे इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पे एक गांव था कसारी मसारी, इसी गांव में एक टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद, और फिर 10 अगस्त 1962 को इसी टांगे वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था, एक भाई अशरफ था जिसको खालिद अजीम भी कहते थे, अभी आपने अशरफ के बारे में भी काफी सुना होगा। इनके अलावा 2 बहनें और थी, इसका परिवार तो गरीबी से जूझ ही रहा था, फिर अतीक के पढ़ाई में भी मन नहीं कर रहा, फिर 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली इसके इलाके से जो माल गाड़ी जाती थी कोयले वाली, वो कोयले वाली गाड़ी से कोयला चुरा के दूसरी जगह बेचते थे, वहाँ से कोयला चुरा के अतीक ने उसको बेचना चालू कर दिया, और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो अतीक ने उस एरिया के और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया और एक तरह से ये इनका लीडर बन गया। और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी के लिए उस एरिया को जो MP थे उसके लिए बाउंसर का भी काम किया था। इन सब चीजों के बाद भी इसने जैसे तैसे 10th का एग्जाम दिया लेकिन उसमें भी फेल हो गया, और फिर इसके बाद ये पूरी तरीके से कोयले के बिजनेस में घुस गया। 17 साल की उम्र में ये 10th क्लास में फेल हुआ और ठीक उसी ईयर उसके ऊपर एक पहला केस दर्ज होता है। उसी ईयर 1979 में पहला मर्डर का आरोप लगता है कोयले के बिजनेस को लेकर, और कोलंडाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से लेकर 1983 तक अतीक अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी वसूली करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब चीज बहुत छोटे लेवल पर हो रही थी। उसी टाइम पे सेम एरिया में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था शौक ए इलाही, उसको चांद बाबा भी सब कहते। चांद बाबा इस एरिया का सबसे बड़ा डॉन था और इसी के हिसाब से ये एरिया पूरा चलता था। कहा जाता है कि पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग था और बहुत सारे नेताओं का हाथ भी था इसके ऊपर। चांद बाबा जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में पुलिस कभी नहीं जाती, पुलिस इसके गैंग को किसी भी आदमी को कभी हाथ नहीं लगाती थी। 1988 को इसके एरिया में एक पुलिस ऑफिसर आते हैं नवरन सिंह, और ये पहले पुलिस ऑफिसर थे जिसने चांद बाबा के एरिया में जाके चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश की। चांद बाबा तो बच के निकल जाता है उस दिन, लेकिन उसी रात को चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है। कई घंटों तक पुलिस स्टेशन के ऊपर चारों तरफ से गोलियां बरसाई जाती है और बॉम्ब फेंके जाते हैं। खान बाबा का जो बॉम्ब बनाने का स्टाइल था वो बहुत अलग था, उसकी वजह से चांद बाबा को बमबाज भी कहते थे। इसके आदमी बैग में बॉम्ब बनाने का सामान रखते थे और ऑन द स्पॉट बम बना के मारते थे और क्रूर से ये बम बनाते। जो ये उमेश पाल वाला इंसिडेंट हुआ उसमें भी सेम इसी तरीके से बम बनाई गई थी। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा, अभी जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ जो करंट सिचुएशन आएगी तो आप इसको ठीक रिलेट कर पाए। उधर अतीक छोटे लेवल पे अपने गैंग के साथ काम कर रहा था, सेम टाइम पे सेम एरिया में चांद बाबा भी अपना काम कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठा के लेके जाती है, उसके ऊपर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इनफैक्ट अतीक अहमद पूरे UP में पहला आदमी था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था। उसी टाइम उसको किसी ने बताया कि उसको चांद बाबा के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, चांद बाबा ही इस सिचुएशन से निकाल सकता, और यही टाइम था जो अतीक अहमद चांद बाबा से मिलता है और उससे मदद लेता है। और फिर इस चीज के लिए चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगवाई और अतीक अहमद को सेम डे में जेल से छोड़वाया। और चांद बाबा को अतीक अहमद के अंदर काफी टैलेंट लगता है, इसलिए अतीक को अपने साथ में रख लेता है और अतीक चांद बाबा के साथ मिलके और पावरफुल हो जाता है, और जो पुलिस का डर था वो भी खत्म हो जाता है। और चांद बाबा के साथ में रह के उसने हर एक चीज सीखी, बम बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई और एक्सटॉर्शन ये सब कुछ सीखा। अतीक वहाँ पे रहकर ये चीज भी सीखा कि
जान बाबा छोटे छोटे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अतीक भी उसको देख के इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है और इसी के वजह से जान बाबा और अतीक में लड़ाई हो जाती है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अतीक अहमद काफी तेज था, वो सारी चीजें चांद बाबा के साथ रहकर सीख लेता है और अब चांद बाबा का ही कॉम्पिटिशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं, अतीक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के खड़ा होता है क्योंकि कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं दे रही थी। और उधर दूसरी तरफ चांद बाबा भी सेम टाइम पे सेम जगह पे सेम सीट पर खड़ा होता है। इनकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन मैं अभय अवस्थी जो सोशल साइंटिस्ट थे और फॉर्मर इलाहाबाद स्टूडेंट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं उनकी थ्योरी लेकर चलता हूँ। और फिर चांद बाबा अतीक को इलेक्शन से पीछे हटने के लिए धमकी भी देता है, लेकिन ये अतीक अहमद नहीं मानता है क्योंकि बहुत पॉलिटिकल पार्टी चांद बाबा के खिलाफ भी थी और वही पॉलिटिकल पार्टी का हाथ अतीक अहमद के ऊपर रहता है। चांद बाबा और अतीक के बीच में इस पूरे चुनाव के टाइम में बहुत गैंग वॉर होती है, लेकिन फाइनली अतीक ये चुनाव जीत जाता है। लेकिन फिर इसके कुछ ही दिन के बाद चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अतीक तो एमएलए बनता ही है, लेकिन चांद बाबा का जितना भी दो नंबर का धंधा था वो पूरा टेक ओवर कर लेता है। इसकी जो गैंग थी इसमें हिंदू मुस्लिम हर कास्ट के लोग इसके गैंग में थे और ये जो कुछ क्राइम करते थे तो ये कास्ट नहीं देखते थे, हर कास्ट के साथ ये क्राइम करते थे। बेसिकली जिनके पास पैसा होता था उसके साथ क्राइम होता था। अतीक अहमद 1989 में तो एमएलए बनता ही है, लेकिन उसके बाद भी 2004 तक कॉन्टिन्यूस हर इलेक्शन जीतता जाता है और फिर 5 बार एमएलए बनता है। 5 बार बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता थे उसको हरा के इलेक्शन जीतना ये आसान बात नहीं होता। इलेक्शन पैसा और पावर से जीता जाता था और कहा जाता है कि अतीक के पास उस एरिया में दोनों चीज था, पैसा भी और पावर भी। कुछ एलिगेशन ये भी है कि एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसा तो बहुत बनाया, लेकिन साथ साथ इसका इलेक्शन टैक्स के नाम पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, यहाँ तक के हॉस्पिटल ओनर्स और बड़ी रिटेल शॉप के ओनर से भी पैसा वसूली करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिगेशन ये भी है कि इलेक्शन के टाइम पर बूथ कैप्चरिंग करना और फिर दूसरे एरिया के लोग ट्रक में भरकर वोट के दिन वोट के टाइम पे लाना और इसके साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नाम से बड़ी आसानी से करोड़ों रुपए पार्टी फंड में जमा करवा देता। इसकी एक बात से पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इनफैक्ट 1995 में मायावती जी वाला जो गेस्ट हाउस कांड था उसके बारे में सुना होगा, जहाँ पे मायावती को अटैक की वजह से रूम में बंद होना पड़ गया था और फिर इसका पूरा इंजाम अतीक अहमद के ऊपर ही आया था। इस इंसिडेंट की वजह से अतीक और फेमस होता है अपने एरिया के अंदर और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको भी इसके अंदर टैलेंट दिखता था और अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ में लेना चाहती थी। और फिर 2004 में समाजवादी पार्टी जो है फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट लिया और अतीक जीत भी जाता है। और फिर ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाता है। फूलपुर सीट जिससे अतीक एमपी बना था ये कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू जी इसी सीट से जीत के पार्लियामेंट पहुंचे थे, फिर पीएम बने और उनकी जो सिस्टर थी इसी सीट से खड़ी हुई थी और फिर बीपी सिंह जी भी इसी सीट से जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये नॉर्मल सीट नहीं थी, अतीक का जीतना यहाँ पे मजाक नहीं था। और देखिए ये तो आप लोगों को पता है कि एक कैंडिडेट एमएलए या एमपी दोनों नहीं बन सकता, इसीलिए अतीक एमएलए की सीट छोड़ के एमपी की सीट ले लेता है। फिर ये जो एमएलए की सीट खाली होते हैं इस पे बायो इलेक्शन होता है। अतीक तो एमपी बन गया था लेकिन ये जो एमएलए की सीट खाली थी तो इस सीट के लिए अतीक ने अपने भाई अशरफ, जिसका नाम खालिद अजीम था, उसको खड़ा कर दिया इस सीट 2004 में। और इसी सीट पे बीएसपी के तरफ से राजू पाल इलेक्शन लड़ता है और फिर राजू पाल 4000 वोट से जीत भी जाता है। लेकिन ये चीज अतीक अहमद को पसंद नहीं आई, लेकिन राजू पाल भी हल्का आदमी नहीं था उस एरिया। राजू पाल भी उस एरिया के कई सारे गैंग थे उसके साथ में टच में था और राजू पाल के ऊपर भी आरोप थे कि राजू पाल अनीस पहलवान को मरवाए, लेकिन उसके लिए उसका आरोप कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया। राजू पाल ने अक्टूबर 2004 में इलेक्शन जीता और उसके अगले महीने राजू पाल के ऊपर गोलियां चलती है लेकिन राजू पाल बच जाता है। फिर दिसंबर में भी राजू पाल के ऊपर बम फेंके जाते हैं लेकिन उसमें भी वो बच जाता है। और इन इंसिडेंट के नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है। शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजू पाल अपने कुछ लोगों के साथ दिन में 3 बजे 2 गाड़ियों में अपने गांव रिपब्लिक डे मनाने जा रहा होता है। और इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इस टाइम पे राजू पाल के साथ लॉयर उमेश पाल भी उसके साथ में, और उमेश पाल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब उमेश पाल उस दिन जो भी हुआ उसके विटनेस थे या नहीं थे, लेकिन यही रीजन बनता है अतीक अहमद का सारी दिक्कत, वो मैं अभी आगे बताऊंगा।
तब आपको समझ में आ जाएगा। तो राजू पाल गाड़ी से जा रहा था, अचानक से राजू पाल की गाड़ी को मेन बाजार में तीन दहाड़े रोक लिया जाता है और 20 से 25 लोग बीच में घेर लेते हैं और राजू पाल की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। राजू पाल को कई गोलियां लगती है। राजू पाल को एक टेम्पो में डाल के हॉस्पिटल की तरफ लेके जाया जाता है, लेकिन वो सारे लोग हॉस्पिटल के पास भी जा करके उस टेम्पो के ऊपर राजू पाल के ऊपर गोली चलाते हैं। टोटल 19 गोली लगती है राजू पाल को और उनकी डेथ हो जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि राजू पाल जो एक MLA है उसको मार दिया गया, तो BSP के लोग और राजू पाल के समर्थक, BSP और राजू पाल के सपोर्टर सड़कों पे आ जाते हैं और काफी दंगे होते हैं। वहाँ के पुलिस SP और ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। पूजा पाल जो कि सिर्फ 9 दिन में विधवा हो गई और फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके FIR करती है, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और 7 और लोगों का नाम लेती है। इस केस के ऊपर तो ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है और फिर सेम सीट के लिए बायो इलेक्शन होते हैं, जिसमें BSP से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल खड़ा होती है और फिर इधर से अतीक अहमद का भाई अशरफ उसी सीट पर फिर से खड़ा होता है। फिर इस बार अशरफ जीत जाता है। तो उस एरिया का MP अतीक अहमद और MLA उसका भाई अशरफ और UP में गवर्नमेंट SP की, और उस पर्टिकुलर टाइम में अतीक अहमद का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। अतीक अहमद का जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही यूनिक था। उसके ऊपर जो भी आरोप लगते थे कि पॉलिटिशियन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है या फिर जमीन कब्जा कर रहा है, एक्सटॉर्शन वसूली, ये सब सारी चीज अपने बिजनेस की तरह चलाता था और फिर वहीं दूसरी तरफ आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जैसे कि शादी में कितना दहेज जाएगा दोनों पार्टियों के बीच में वो डिसाइड होता था। जमीन की वजह से दो भाइयों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको सॉल्व कर दिया जाता था। उस टाइम पे अतीक का एक अपना सेपरेट कोर्ट सिस्टम चलता था। उस एरिया में अतीक के पास कई 100 लोग आते थे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। तो इस तरीके से तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद का दबदबा 2007 तक तो बहुत अच्छी तरीके से चला, लेकिन फिर 13 मई 2007 को फिर से इलेक्शन आते हैं और फिर SP को हरा के BSP जीतती है, अपनी सरकार बनाती है और मायावती की तरफ से राज्यपाल की वाइफ पूजा पाल अतीक के भाई को हरा के सेम सीट पर जीत जाती है। 2006 तक जो दब के रह रहे थे वो भी बाहर रहते हैं, जैसे कि उमेश पाल। जैसे BSP के सरकार बनती है तो उमेश पाल जो विटनेस थे इस इंसिडेंट के और राज्यपाल के दोस्त भी थे, वो पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं कि उमेश पाल कहता है कि 2006 में अतीक ने मुझे किडनैप करके और अपना बयान बदलने के लिए मुझ पर दबाव बनाया था, इसीलिए उस टाइम पे दबाव में आके मैंने बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता है। देखिए अतीक अहमद के ऊपर बहुत बड़े बड़े मर्डर के केस थे, लेकिन ये जो किडनैपिंग वाला केस था उमेश पाल ने जो किया था, और यही केस अतीक अहमद को आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इसी केस की वजह से अतीक अहमद की जान गई है, वो आगे मैं अभी बताऊंगा। और फिर जैसे ही उमेश पाल ये सब कंप्लेन करते हैं अतीक गायब हो जाता है और फिर 2008 में अतीक जो दिल्ली में जाके छुपा था वहां पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि अतीक ऐसा इसलिए किया था, वो दिल्ली में जाके इसलिए छुप गया था कि उसको शक था कि उसको पकड़ के उसको अरेस्ट करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब एक तरफ अतीक अहमद तो जेल में बंद था, लेकिन था तो वो MP और उसके ऊपर जो भी केस चल रहे थे वो अभी प्रूव नहीं हुए थे। और फिर उसी टाइम पे 2008 में इंडिया के लिए न्यूक्लियर डील थी जो वो साइन होने थे US के साथ, और उसको लेके बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था पार्लियामेंट में, क्योंकि ओपोजिशन जो कह रहा था कि ये जो डील है न्यूक्लियर वाली इसको साइन नहीं होने देंगे। और फिर बहुत हंगामे के बाद ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और अगर ज्यादा वोट आए तो इंडिया इस ये न्यूक्लियर डील को साइन करेगा, अगर नहीं आए तो नहीं करेगा। और उसी टाइम था जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मांगा था। कांग्रेस के पास 228 मेंबर थे और वो जीतने के लिए 44 कम पड़ रहे थे, और फिर इस चीज को पूरा करने के लिए सारी पार्टियां चाहे ओपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो बहुत सारी गड़त लगा रही थी। और फिर इस चीज को पूरा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला जाता है और पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें एक अतीक अहमद का भी नाम होता है। और फिर अतीक ने भी पार्लियामेंट में जा करके ये न्यूक्लियर डील के लिए वोटिंग की थी। आज भी ये रिकॉर्ड में है, जो हमारे देश के लिए जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने वोटिंग किया था। एक तरफ तो अतीक अहमद और उसके लोगों के ऊपर ये आरोप थे कि चौराहे के ऊपर लड़ते लड़ते वो क्रूड बम मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और दूसरी तरफ ये जो न्यूक्लियर डील थी उसके ऊपर फैसले भी ले रहे। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जैसा बोलेगी चुपचाप अतीक कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एकदम उल्टा हुआ। अतीक ने मुलायम सिंह और कांग्रेस के अगेंस्ट वोट किया, यानी कि न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में वोट किया। इस चीज से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने अतीक
को और बाकी भी जो 6 लोग थे उन सबको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन यहाँ से तो अतीक अहमद जेल में तो आ गया था लेकिन क्राइम प्रूफ नहीं हुआ था और इस केस की कोर्ट में हायरिंग चल रही थी। देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूँ, आज की डेट तक अतीक के ऊपर 100 से भी ज्यादा केस रजिस्टर थे लेकिन सिर्फ एक में ही ये प्रूफ हो पाया कि वो गिल्टी है, वो भी उसके मरने से कुछ दिन पहले। अतीक के ऊपर जो भी केस लगा हुआ था उसके ऊपर एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ। उस केस के ऊपर कोई भी गवाह सामने आता ही नहीं था और आता भी था तो अपना बयान बदल देता था और फिर जो आने वाला होता है उसकी किसी न किसी की वजह से मौत हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जिस पुलिस वाले को ड्यूटी लगती थी अतीक अहमद को हथकड़ी पहनाने की या फिर जेल में इधर से उधर ले जाने के लिए, वो डर के मारे अपना जो नेम टैग होता था वो भी छुपा के जेब में रख लेती थी, कहीं अतीक अहमद को उनका नाम ना पता चले, इतना खौफ था। और उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 जजेस जिन्होंने अतीक अहमद के केस सुनने को भी मना कर दिया और इसी सब चीजों की वजह से उसका जो क्राइम था वो कभी प्रूव ही नहीं, क्योंकि कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है तो वो इलेक्शन तो लड़ सकता। और फिर अतीक एक इलेक्शन लड़ता है अपना दल नाम पार्टी की 2009 में जो हार जाता है और फिर से 2012 में बेल में बाहर आता है और फिर से इलेक्शन लड़ता है। इस बार जो राजू पाल के बाद जो पूजा पाल थी उसके सामने ही लड़ता है लेकिन फिर भी हार जाता है। और फिर 2014 में मुलायम सिंह एक बार फिर से अतीक अहमद को टिकट देते हैं और फिर अखिलेश यादव जी इस चीज को लेकर अपने फादर से काफी झगड़ा कर लेते हैं और ये भी कहा जाता है कि अतीक अहमद को ये टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसी की वजह से झगड़ा करते हैं और लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है लेकिन उसके बाद भी अतीक को टिकट दिया जाता है लेकिन ये इलेक्शन भी अतीक हार जाता है। और फिर जब इतने इलेक्शन बैक टू बैक अतीक हारता है तो इसके बाद अतीक अहमद के अंदर जो पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट था वो कम होने लगा और उसकी पावर जो है पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इसके बाद भी जब भी अतीक बेल वगैरह से बाहर आता था तो वो ट्राई करता था कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे और आसपास के एरिया के भी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। और फिर इसके बाद अतीक से फिर से एक गलती होती है जिसके वजह से वो फिर से एक बार जेल पहुंच जाता है और फिर बेल पर भी नहीं निकल पाता है। इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, सैम हैगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। दिसंबर 2016 में यहाँ के स्टाफ 2 लड़कों को एग्जाम देने से मना कर दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे। और फिर ये जो मामला है अतीक के पास आता है और अतीक पूरी भीड़ लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचता है और टीचर और स्टाफ को मारता पीटता है और ये सब सारा फुटेज टीवी कैमरे में कैद हो जाता है और ये सारा फोटो वायरल हो जाता है। और फिर इसके वजह से इतना हंगामा होता है कि 17 फरवरी 2017 में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ साथ वो जो राजू पाल वाला केस था उसकी भी जांच सीबीआई कर रही थी। उसके बाद फिर 2017-19 मार्च को सीएम बनते हैं योगी जी, लेकिन उसके बाद भी अतीक अपना काम जो है वो जेल से बड़ा आराम से चला रहा था। और फिर 2018 में लखनऊ में एक बिजनेसमैन थे मोहित जायसवाल, उसको कुछ लोग लखनऊ से उठा करके अतीक के पास देवरिया जेल लेके जाता है और फिर वहां पर मोहित जायसवाल से पेपर साइन करवाए जाते हैं और फिर उसी जेल में मोहित जायसवाल को बहुत लोग मारते हैं और ये भी कहा जाता है कि पुलिस वाले ने भी मिल के मारा। अब बिना पुलिस के तो ये सब पॉसिबल होना मुश्किल है। और फिर जब मोहित जायसवाल वहां से छूटते हैं तो पुलिस में जाके FIR कराते हैं कि इनकी 40 करोड़ की जो कंपनी थी अतीक ने अपनी फैमिली के नाम करवा दी जबरन, और फिर जिसको मना करने के लिए अतीक ने उसको जेल में बुलवा करके पिटवाया और फिर साइन करवाया। फिर इसके अंदर पुलिस के ऊपर भी ये आरोप लगा और फिर यही इंसिडेंट से क्लियर हो गया था कि अतीक का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है और अभी भी अतीक को रोका नहीं जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया ताकि ये सब बंद हो सके। और फिर इसी के साथ साथ जो सीबीआई की जांच चल रही थी राजू पाल वाले केस में वो जो है 2022 में कंप्लीट हो जाती है और राजू पाल मर्डर केस में सीबीआई टोटल 5 लोगों के नाम मेंशन करती है और उन 5 लोगों में एक अतीक अहमद और एक उसका भाई अशरफ भी था। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट थी कि सीबीआई ने उमेश पाल को विटनेस लिस्ट से हटा दिया था क्योंकि उमेश पाल के बयान कई बार चेंज हुए, विटनेस लिस्ट से उनका नाम हटा दिया, यानी ऑफिशियली वो उमेश पाल इस राजू पाल हत्याकांड में वो विटनेस नहीं थे। और फिर जब उमेश पाल किसी चीज का विटनेस ही नहीं रहे तो सबका डर खत्म हो गया। और फिर इसी साल 24 फरवरी 2023 तक अतीक का केस पूरी तरीके से शांत पड़ा हुआ था, वो आराम से अपना साबरमती जेल में पड़ा हुआ था। लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल जो कि ऑफिशियली विटनेस तक नहीं है, इसका मतलब उमेश पाल को अतीक से कोई खतरा नहीं है और वो अपने गैनर के साथ कोर्ट की हेयरिंग सुन के अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे वो अपने घर के लिए गाड़ी से
से नीचे उतरते हैं, वैसे ही 7 लोग उसके गाड़ी को घेर लेते हैं और उसके ऊपर गोली और बम चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके वजह से उमेश पाल का गैनर और उमेश पाल की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। और ये सब सारी चीजें उमेश पाल की माँ के सामने होता है, जो कि वो विटनेस थी इस पूरे इंसिडेंट की। और फिर अगले ही दिन उमेश पाल की वाइफ जया पाल पुलिस स्टेशन पहुंचती है, कंप्लेन करती है कि उमेश पाल को तो उन्होंने मार ही दिया, और इसके साथ साथ उनको भी कॉल आया है कि उसको भी मारने की धमकी दी जा रही है। और फिर इस FIR में वो नाम लेती है पहला तो अतीक अहमद का, और फिर अतीक के भाई अशरफ का, और फिर उसकी वाइफ का, और इसके साथ साथ 6 और लोगों का नाम लेती है। और जिन जिन लोगों का इस FIR में नाम था उन सब के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आके खड़ी हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर यूपी के CM योगी जी ने यह कह दिया था कि इन माफिया को सबको मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक और अशरफ पहले तो पुलिस के पास ही थे, अतीक साबरमती जेल में और अशरफ बरेली के जेल में, और बाकी के जितने थे सबके सब फरार हो जाते हैं। और ये सब फोटोज वगैरह जो भी थी ये यूपी के अंदर बहुत तेजी से टिगर होती है, और दिन दहाड़े यूपी में गोलियां चल रही है। और इसी के साथ साथ पुलिस के हाथ एक CCTV फोटोज लगती है, और ये सारी फोटो वायरल भी हो जाती है। पुलिस इस CCTV फोटोज को स्कैन करके ये स्टेटमेंट देती है कि इसमें टोटल 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके नाम है असद जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज जो कि ड्राइवर था उस दिन, और उस्मान जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी। टोटल 7 लोगों के नाम पुलिस ने बताया, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम, अरमान और साबिर। 24 फरवरी को ये इंसिडेंट होता है, उसके 3 दिन 27 फरवरी को पहला इनकाउंटर होता है। अरबाज जो ड्राइवर था उमेश पाल इंसिडेंट में, वो नेहरू पार्क फॉरेस्ट जो कि प्रयागराज में है वहां पे पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, और फिर यहां से बचते हैं 7 में से 6 लोग। उसके बाद 6 मार्च को नंबर लगता है उस्मान का, जिसको विजय चौधरी भी कहा जाता है, और उसका भी प्रयागराज में इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर होने के बाद पुलिस ये कहती है कि ये भाग रहा था, इसको गोली लग जाती है, और इसको हॉस्पिटल लेके जाते जाते इसकी रास्ते में मौत हो जाती है। जबकि उस्मान की जो वाइफ थी वो उल्टा आरोप लगाती है कि मंडे को सुबह में पुलिस उस्मान को घर से उठा के लेके गई और एक फेक इनकाउंटर में इसको मार दिया। और फिर ये इनकाउंटर होने के बाद 7 में से 5 लोग बचते जो अटैक करने आए थे उमेश पाल के ऊपर। और फिर इसी बीच में अतीक जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट अतीक जो उमेश पाल के किडनैपिंग वाले केस में था उसमें अतीक को उम्र कैद की सजा सुना देती है, और ये पहली बार होता है कि अतीक को किसी केस में सजा सुनाई जाती है। लगभग 100 से भी ज्यादा केस थे और ये पहला केस था जिसमें इसको गिल्टी फील किया गया था। और यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में, जो बाहुबली होते हैं उसके जो केस होते हैं वो कोर्ट में प्रूव ही नहीं हो पाते, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। वो जो सजा सुनाई जाती है अतीक को, इसी सुनवाई के लिए वो साबरमती जेल यूपी लाया जाता है, और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाता है। जब अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था तो 1 मिनट के लिए भी मीडिया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और अतीक को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसको सिर्फ साबरमती से यूपी लाने में 10 लाख रुपए का खर्चा हो। और फिर अतीक और अशरफ को दोनों को प्रयागराज जेल में ले आया जाता है, जिसके बाद डेट आती है 13 अप्रैल 2023। अतीक के बेटे असद और गुलाम दोनों का भी झांसी के अंदर इनकाउंटर हो जाता है। अतीक के 5 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा उमर वो लखनऊ जेल में है, और दूसरा बेटा अली है जो नैनी सेंटर जेल में है, और तीसरा बेटा असद था जिसका इनकाउंटर हो गया, और इसके अलावा 2 बेटे और थे। जो सबसे छोटे बेटे हैं अजम और अवन, जो क्लास 12 और 9 में पढ़ते थे, स्टूडेंट है वो अभी, उसको भी यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया, प्रयागराज में एक जुबेनाइल होम में डाल दिया है, और अतीक की वाइफ फरार है। अतीक का जो 11,000 की प्रॉपर्टी थी वो सील कर लिया गया है, और जो उसका घर था उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। और ये सब सारी चीजें जब चल रही थी तो अतीक की वाइफ ने CM योगी जी को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि उसके हस्बैंड को भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ अतीक ने भी कहा कि उसको किसी पुलिस वाले ने धमकी दी है कि तुम लोग भी बहुत जल्दी मारे जाओगे। उस पर्टिकुलर टाइम पर अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील एनवलप में लिख के अपने वकील को सौंप दिया था कि अगर उसको कुछ होता है तो ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ UP हाई कोर्ट और UP के CM को दे दिया जाए। और ये लेटर को लेके भी काफी बवाल चल रहा है कि इस लेटर के अंदर किसका नाम है, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया। 7 लोग जो उमेश पाल के ऊपर हमला करने के लिए आए थे उस दिन, उसमें से 4 लोग तो मारे गए, बाकी 3 गुड्डू, मुस्लिम, अरमान और सबीर तीनों फरार हैं, और इनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। 13 अप्रैल 2023 अतीक के बेटे असद का जिस दिन इनकाउंटर
होता है और फिर नेक्स्ट डे असद की बॉडी को कसारी मसारी गांव लेके जाया जाता है। और ये वही गांव है जो मैंने आपको शुरू में बताया, जहां पे अतीक अहमद पैदा हुआ था और असद की बॉडी का जो लास्ट म्यूचुअल था वो वहीं पे। उसी के थोड़ी दूर पर धोबनगंज पुलिस स्टेशन है जहाँ पे अतीक और उसके भाई अशरफ कैद थे, लेकिन उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। देखिए, कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे जिसमें अतीक और अशरफ जो जेल में बंद थे इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा ताकि कोई मारपीट हो इसके साथ तो पता चल सके। तो अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को इन दोनों को रात 10 बजे कोलविन हॉस्पिटल की तरफ लेके जाया जाता है धूपगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पे था। और इसकी जो गाड़ी थी हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूर पे रुकती है और ये लोग पैदल पैदल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं और फिर सारे मीडिया वाले इसको घेर लेते हैं और फिर वहीं पे ये तीन लोग फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं जो कि अतीक और अशरफ को मार देते हैं, जो कि वीडियो में ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये तीन लोग हैं कौन और इन्होंने मारा क्यों। जिनमें से एक का नाम है लवलेश तिवारी और एक का नाम है मोहित, जिसको सनी भी बोलते हैं, और तीसरा है अरुण मौर्या। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इन्होंने कहा कि इनको नाम बनाना था क्राइम की दुनिया में और इसको मारने के लिए कोई बड़ा आदमी चाहिए था, इसीलिए इन्होंने अतीक और अशरफ को मारा। लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि तीनों अलग अलग शहर में रहते हैं, ये तीनों एक दूसरे से कभी मिले तक नहीं। सिर्फ सनी और लवलेश जो है 2021 में बांदा जेल में मिले थे और फिर उसके बाद इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। फिर इस काम के लिए ये लोग तीनों एक साथ में कैसे। और दूसरा ये कि ये लोग बहुत गरीब परिवार से थे और कपड़े तक फटे पुराने पहने थे। तो फिर इसके पास हेली कैलिबर, जिगाना टर्किश पिस्टल जो कि US की कोस्ट गार्ड और मलेशिया की और फिलीपीन की पुलिस यूज करती है और जिसकी कीमत करीब 6-7 लाख होगी, ये सारे पिस्टल उसके पास कैसे आ गए। और फिर जो कैमरा है, माइक है, उसको खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ गए और उसको कैसे पता चला कि टाइम बदल के अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया जाएगा और एग्जैक्ट 10:30 बजे ही हॉस्पिटल की तरफ लेके जाया जाएगा। ये लोग पहले दिल्ली में इकट्ठा हुए, वहाँ पे प्लानिंग करी और फिर प्रयागराज की तरफ आए और फिर जो होटल वगैरह का खर्चा जो भी सारा कुछ था उसके पैसे इसके पास कहाँ से आए। और ये तीनों के घर वाले को कुछ भी नहीं पता कि ये क्या करते हैं और इनके परिवार को डायरेक्ट टीवी से ही पता चला कि इन्होंने ये कांड कर दिया। अब इसको किसने इकट्ठा किया और इसने ये सब क्यों किया ये तो सब इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी की भी डेथ होना बहुत ही खतरनाक माना जाता है एक डेमोक्रेसी देश के लिए। एक तो वो बंदा जो कि कस्टडी में होता है और उसके हाथ भी बंधे हुए होते हैं और वो अपनी सिक्योरिटी तक खुद नहीं देख सकता है और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। और दूसरी चीज, जब ये सब ज्यादा होने लगती है तो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उड़ जाता है और फिर सोसाइटी में लगता है कि कोर्ट के बजाय गैंगस्टर बन के अपनी जिंदगी के बदले लिए जा सकते हैं। आप किसी को बंदूक एक बार दे सकते हो लेकिन एक बार फिर बंदूक देने के बाद आपका कंट्रोल उसके ऊपर से हट जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये सब चीजें की जांच तो चल रही है, अब आगे क्या होता है वो कोर्ट फैसला करेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस के बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं और अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सत्यपाल मलिक जो इंटरव्यू दिए थे वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।